किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए गेहूं के तीन शानदार वैरायटी लेकर आए हैं, जिनकी बुआई यदि आप अपने खेत में करते हैं तो आने वाले समय में आप गेहूं की फसल से बहुत ही अच्छी पैदावार ले पाएंगे। किसान साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, आपको हमारे चैनल पर खेती संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। किसान भाइयों, वीडियो को पसंद आते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि सभी किसान भाई इस वीडियो को देख करके अपनी गेहूं की सही बुआई कर सके और अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सके। तो किसान भाइयों, नंबर तीन पर जो हमने गेहूँ की वैरायटी रखी है, इस वैरायटी का नाम है श्री राम सुपर 272। यह अगेती और पछेती दोनों ही समय में, दोनों ही अवस्था में आपको अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती है। आप इसकी बुआई पूरे दिसंबर माह तक कर सकते हो। किसान भाइयों, इसके पौधे की हाइट 100 सेंटीमीटर तक होती है। यदि इसके पकने के समय की बात की जाए तो यह वैरायटी 140 से लेकर 150 दिन के मध्य में पक करके तैयार हो जाती है। किसान साथियों, बिजाई करते समय आपको 40 ग्राम प्रति एकड़ बीज की मात्रा लेनी होगी। यदि आप अगेती बुआई करते हैं तो, यदि आप थोड़ी पछेती बुआई करते हैं तो आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी होगी। यदि इसमें सिंचाई की बात की जाए तो किसान भाइयों, आपको इसमें 4 से लेकर 5 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इसमें मिट्टी की बात की जाए तो आप इस वैरायटी को हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी और मध्यम मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी में यह वैरायटी अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। किसान साथियों, यदि इसमें रोगों की बात की जाए तो आपको इस वैरायटी में कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो पीला रतुआ हो, भूरा रतुआ हो या फिर करनाल बंट जैसा रोग हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगेगा। यदि किसान भाइयों, इसकी कुल पैदावार की बात की जाए तो आप श्रीराम सुपर 272 गेहूं की वैरायटी से 25 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर दो पर जो हमने गेहूं की वैरायटी रखी है, यह बहुत ही शानदार है और बहुत ही प्रसिद्ध वैरायटी है। किसान भाइयों, इस वैरायटी का नाम है श्रीराम सुपर 303। श्रीराम कंपनी की सबसे उत्तम किस्म यह वैरायटी मानी जाती है। किसान साथियों, यदि इसकी बुआई के समय की बात की जाए, आप इसकी बुआई भी अगेती भी कर सकते हैं और पछेती भी कर सकते हैं। दोनों ही अवस्था में यह आपको बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल करके देती है। भाइयों, इस वैरायटी में भी आपको अगेती बुआई करते समय 40 किलोग्राम बीज लेना होगा और यदि पछेती बुआई करते हैं तो आपको 50 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी होगी। किसान भाइयों, इसके जो पौधे की हाइट होती है वह मात्र 88 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है। इतनी कम हाइट होने के कारण यह वैरायटी तेज बारिश, तेज हवा में नीचे नहीं गिरती और इसी कारण से किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन देने को मिलता है। यदि इसके पकने के समय की बात की जाए तो यह वैरायटी मध्यम समय में मात्र 130 से लेकर 135 दिन के मध्य में पक कर के तैयार हो जाती है। फुलाव बहुत ही अच्छा होता है। किसान साथियों, आपको इसमें हल्के फुलके रोग देखने को मिल सकते हैं। स्टार्ट में ही यदि आप एक स्प्रे कर देंगे तो आपको दोबारा से कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। यदि इसकी कुछ खासियत की बात की जाए तो इस वैरायटी में बालियां लंबी होती है, गेहूं का दाना मोटा होता है और दाने में ज़्यादा वजन होता है, जिस कारण से किसान भाइयों को अच्छी पैदावार देने को मिलती है। यदि इसके कुल उत्पादन की बात की जाए तो आप इस वैरायटी से 26 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर एक पर जो हमने गेहूं की वैरायटी रखी है, यह बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली है। इस वैरायटी का नाम है DBW 187। किसान भाइयों, इस वैरायटी की पैदावार क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। आप इसकी बुआई यदि अगेती करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। इसके जो पौधे की हाइट होती है वह 102 से लेकर 103 सेंटीमीटर तक होती है। यह वैरायटी पकने में भरपूर समय लेती है। यह वैरायटी पकने में 140 से लेकर 150 दिन का समय ले लेती है और आपको इस वैरायटी में 4 से लेकर 5 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि इसमें बीज की मात्रा की बात की जाए तो आपको इसमें 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी होगी। इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही शानदार है। आपको इस वैरायटी में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। यदि इसकी कुछ खासियत की बात की जाए तो इस वैरायटी में बालियों का जो साइज होता है वह बड़ा होता है, दाने का आकार भी मोटा होता है और उसमें ज़्यादा वजन होता है और इस वैरायटी के जो तना होता है वह काफ़ी मजबूत होता है। तना मजबूत होने के कारण यह तेज बारिश और तेज तूफान में नीचे नहीं गिरती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी की रोटी भी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। यदि इसकी कुल पैदावार की बात की जाए तो यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं, प्रकृति आपका साथ देती है, तो आप इस वैरायटी से
30 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी आज की 3 सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गेहूं की वैरायटी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको तीनों में से कौन सी वैरायटी अच्छी लगी हो। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।